ठीक है अगला शौक तोड़े कितना कुछ हुआ ठीक है पहले शुरू मगर कर माता का सेटिंग कर सेटिंग कर करते हैं लोग के दर्जे कर वीडियो बना लिया सेटिंग में ये हैं कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया जो कि अपने समर्थकों के साथ जो है वो पोलिंग बूथों का जो जायजा ले और पब्लिक उनके साथ पूरे जो साथ बाबा बेटा होने चाहते हैं वो बाबे करो ठीक है मेन बंदा ही है बाबा हूं तो जुड़ जा साडा यार जुड़ जा जुड़ पाए हैं इसमें यहाँ जो हम यहाँ पर हम लोग खड़े हैं वो 08 फतेहपुर पोलिंग बूथ नंबर बूथ बटाली जो है वो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं और तकरीबन सारे कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग पार्टियों के उपस्थित हैं। इस टाइम भवन सिंह पठानिया के साथ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनकी पार्टी के उनके सपोर्टर्स जो कि पूरी तरह के आश्वस्त हैं कि विजय जो है ना वो उनके आज फतेहपुर में उपचुनाव जारी है और मतदान चला हुआ है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी पठानिया ने मतदान किया है। आइए इनसे कुछ जानते हैं कि किस तरह रहा है और किस तरह मानते हैं कि चुनावों को फिर किस तरह रहेगा कि क्या आज चुनाव चल रहे हैं उपचुनाव और आप किस तरह मानते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के भाग लें आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। ये देखिए अभी तो सिर्फ 1.5 घंटा बचा है पर मेरे हिसाब से पोलिंग तकरीबन 60 से 65% के आसपास होगी और 52 से 55 हज़ार के आसपास जो है वो वोट डलेंगे। इसमें से लगभग 48 से 52% के बीच जो पोलिंग है वो कांग्रेस के प्रति हो रही है तो सीट बड़ी कंफर्टेबली जो है वो निकल रही है। सर ये पोलिंग जो है अभी ऐसा लग रहा है कि एवरेज से जो है ना वो कम हुई है जैसे पुराने पिछले इलेक्शंस में देखा जाए तो 70% तक जो है ना वो पोलिंग होती थी तो, इस बार कम होने का क्या आपको क्या कम होने का कारण बहुत सिंपल है कि आप देखिए जो इलेक्शन सरकार को हटाने के लिए या सरकार को बनाने के लिए होता है उसमें जो है वोटर का उत्साह ज़्यादा रहता है। ये एक बाई इलेक्शन है लोगों को पता ही इलेक्शन सिर्फ एक साल का है और इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ वही वोटर बाहर आ रहा है जिसका अपना स्टेक है। तो आप अगर देखिए जो भी कांग्रेस डोमिनेंट बूथ्स हैं वहाँ पर पोलिंग जो है वो तकरीबन 70 से 80% के आसपास है। जैसे हम अभी ये लोहारा के अपनी बटाड़ी में बैठे हैं अभी इस टाइम पे आप भाड़ा बूथ देख लीजिए आप फतेहपुर बूथ देख लीजिए तो जो भी मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस डोमिनेंट बूथ्स हैं वहाँ पोलिंग 80 से 85% के आसपास होगी और जहाँ आप देखेंगे जहाँ मतलब बीजेपी डोमिनेंट बूथ जो थे वहाँ पे उदासीनता वोटर की जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो यही कारण है जो मैं बोल रहा हूँ वोटिंग प्रतिशत 60 से 65 के बीच में वहाँ पे रहनी चाहिए। सर जो जो आज अभी तक जिन्होंने वोट नहीं डाला उनसे आपको क्या अपील रहे सामने? नहीं मेरे हिसाब से तो सभी को जाकर अपने मत का जो है वो अधिकार है उसको जरूर इनको अपना ये करना चाहिए और वोट जरूर डालना चाहिए। जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है सर? ये आज से नहीं तकरीबन आपको ये रुझान जो है 15-20 दिन पहले से आना स्टार्ट हो गया था और जीत तो निश्चित है जीत पक्की है। धन्यवाद सर। ठीक है मुबारक सर आपको एडवांस में।